सर, कंगना रनौत की टिप्पणी आई है किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा, और आज सदन में भी मामला उठाया, आपने भी विचार रखे, किस तरह से देख रहे इस बयान को? देखिए, ये बहुत उनका गैर जिम्मेदाराना बयान है और देश के अन्नदाताओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि जो किसान है वो अपराधी हैं, विदेशी एजेंट हैं, बलात्कारी हैं। मुझे लगता है कि इससे गलत टिप्पणी आज तक देश के अन्नदाताओं के खिलाफ किसी नेता ने नहीं की। उन्हें ये समझना चाहिए कि वो अब सांसद है, इसलिए उन्हें हर बात जिम्मेवारी से बोलनी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान से पल्ला झाड़ दिया है कि वो ये बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। हमारा ये मामला मानना है कि अगर उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है तो निश्चित तौर पे उन्हें कहीं ना कहीं से तो शह मिली होगी, और अगर उन्हें शह नहीं है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 378 दिन किसानों का आंदोलन चला और जो 3 काले कानून जो है भाजपा सरकार लाई थी वो कानून वापस हुए, लेकिन अभी भी MSP का जो मुद्दा है वो लटका पड़ा है, और 700 किसान शहीद हुए, और अभी तक जो केंद्र की सरकार है उस सरकार ने उन शहीदों के जो परिवार हैं उनकी सुध जो है नहीं ली है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि कंगना रनौत ने पिछले दिनों हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, जब वो पार्लियामेंट में बोल रहे थे उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि वो नशा लेके बोल रहे थे। आप इस बात को समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है? वो एक प्रतिपक्ष के नेता पे क्या इस तरह के इल्ज़ाम लगा सकती? मुझे तो लगता है कि उनका खुद का अपना टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बयान देने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि उनकी मनोस्थिति क्या है। उन्हें मुझे लगता है कि देर इज़ समथिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसे देखने की भी ज़रूरत है। और पहले भी वो बोलती रही हैं सांसद बनने से पहले, उस वक्त हमने तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब वो सांसद है, निश्चित तौर पे उनकी हर बात का असर होता है। और आज विधानसभा में ये मामला आया और हमारे जो प्रतिपक्ष के साथी हैं वो सब विरोध कर रहे थे कि वो तो यहाँ की संसद, यहाँ की सदस्य नहीं है, इसलिए मामला नहीं आ सकता। जबकि मेरा ये मामला मानना है कि वो हिमाचल प्रदेश से सांसद है, और अगर वो कोई भी टिप्पणी करती है उसे हिमाचल प्रदेश भी पूरे देश में जो है शर्मसार होता है। उन्हें या तो अपने बयान से माफ़ी मांगनी चाहिए या भारतीय जनता पार्टी की जो आलाकमान है उस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है करनी चाहिए। क्या मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी असर पड़ता है? निश्चित तौर पे जिस तरह से वो बयानबाजी करते हैं, जैसा उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि उससे तो हमारे जो संबंध है विदेशों के साथ, जैसा उन्होंने कहा कि जो किसान है वो जब आंदोलन चल रहा था तो वो विदेशी एजेंटों के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने एक दो देशों के नाम भी लिए, तो मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी पे जो है रोक लगाने की ज़रूरत है। बीजेपी भी संज्ञान नहीं लिया, हालांकि कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या मानते हैं कि बीजेपी भी शह दे रही है? निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि ये तो बड़ी आसान सी बात है, पहले आप किसी से बयान दिलवाओ और बाद में कहो कि नहीं ये तो उनका अपना बयान था। अब आप बताइए, कोई सांसद अगर बोलता है तो निश्चित तौर पे वो पार्टी का पक्ष होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि उनका जो बयान है वो गैर जरूरी था, गैर जिम्मेदाराना था, तो अभी तक जो है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? थैंक यू।